दशमी कैसा होता है हर साल मैं ऊपर से आप लोगों को दिखाता हूँ इस जगह से, जो कि यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। हर साइड से, उस साइड से आता है गाड़ियाँ जो क्लब आते हैं उस तरफ से, इस तरफ से भी जाते हैं और यहाँ से भी घुमाता है इस गांधी चौक में। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ अभी हुआ है बिलासीपुरा पे, शायद आज के दिन ही इतना भीड़ होता है इस पॉइंट पे। देख सकते हैं कितना भीड़ है। दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी का और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से दशमी का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिलासीपुरा का दशमी कैसा हुआ है। ऑलरेडी मैं ब्लॉग शुरू कर चुका हूँ, जो जो क्लिप्स है वो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पे फ्री वाटर देने का भी फैसिलिटी इन लोगों ने किए है, तो आपको, आप लोगों को धन्यवाद और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। अभी हम लोग एक्टिव ग्रुप के दशमी क्लब दशमी के साथ है, यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग एक साथ ही सब क्लब दशमी के लिए। तो यहाँ पे एक्टिव ग्रुप के एक मेंबर हैं भैया, तो मैं पूछना चाहूँगा आप लोग हर बार ऐसे जेसीबी में, आप लोगों का जो मूर्ति है माँ की मूर्ति, आप लोग जेसीबी में लेते हैं, उसका कारण क्या है? नहीं, एक्चुअली इस बार हम लोगों ने जेसीबी में लेकर आया है, क्योंकि जो मूर्ति है वो हम लोग कूचबिहार से लेकर आए हैं और बहुत हैवी वेट है, और नॉर्मल गाड़ी में लेने से कोई अच्छी तरह से देख नहीं सकता है, इसलिए पूरा फोकस किया कि सब लोग देखें, अच्छी तरह से देखें। और आपकी, आपको भी विजयादशमी शुभकामना रहेगी, और आपके जरिए मैं सारे बिलासीपुरा और असम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपको भी हमारे तरफ से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों का ये मूर्ति का कीमत कितना है? अप्रोक्सीमेट सब कुछ मिला के 1,35,000 जैसे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आप लोग धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी में इन लोग ये जो मूर्ति है वो लेते हैं, और साथ ही साथ बोला था भी यहाँ पे है शुभ विजय बोला था। देख सकते हैं जेसीबी में हर बार इन लोग जेसीबी में लेते हैं, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा है इस मूर्ति का, और कूचबिहार से ये मूर्ति लाया जाता है हर बार ऑर्डर करके, और यहाँ पे जेसीबी में यही यूनिकनेस है, जो कि जेसीबी में इन लोग ये मूर्ति विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। I'm
ये हम लोगों का दुर्गा बारी का माँ की मूर्ति है। साथ ही साथ इस तरफ जो इन लोग डांस कर रहे हैं सभी लोग, और हम लोग जा रहे हैं, लगभग आधा रास्ता हम लोग आ चुके हैं और भी जाते हैं विसर्जन तक। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। विजयादशमी घाट में, जो कि गौरांग के पास में ही है, गौरांग तट पर है, वहीं पे अभी मैं हूँ। यहाँ पे विजयादशमी का जो विसर्जन है, माँ की मूर्ति विसर्जन हो, यहाँ पे अभी हो रहा है, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम इन लोगों ने बिलासीपारा सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है, जो कि यहाँ पे ट्रॉली सिस्टम इन लोगों ने किए है तीन साल से। पिछले तीन साल से यहाँ पे ट्रॉली सिस्टम का इन लोगों ने ट्रॉली सिस्टम किए और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं एक एक करके क्लबों का मूर्ति, माँ की मूर्ति, और यहाँ पे विसर्जन हो रहा है काफ़ी अच्छे से। सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर सेफ्टी यहाँ पे, हर तरीके का सेफ्टी यहाँ पे लिया गया है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अच्छे से। जो गौरांग रिवर है वो थोड़ा दिखाने के लिए मैं बोलूँगा, गौरांग रिवर यहाँ पे, और नदी पे भी बहुत पानी अभी है, और यहाँ से और इस तरफ है ब्रिज, जो कि बनियापारा न्यू जो ब्रिज है गौरांग नदी के ऊपर, वो इस तरफ है, वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, और बिलासीपारा का दशमी हर साल बहुत अच्छा होता है, इस बार भी बहुत अच्छा हुआ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए, और सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे चैनल के तरफ से, आरकेएस क्रिएटिविटी चैनल के तरफ से, आप सभी को दुर्गा पूजा साथ ही साथ विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देख सकते हैं एक्टिव ग्रुप के जो बड़ी वाली मूर्ति थी, जो मैंने दिखाया आप लोगों को कुछ देर पहले, वही मूर्ति अभी विसर्जन हो रहा है। देख सकते हैं ये बहुत बड़ा मूर्ति था, और यहाँ पे ट्रॉली पे भी ये थोड़ा दिक्कत हो रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी अच्छे से विसर्जन यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हैं।
यही था बिलासीपरा विजयादशमी का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हर साल की तरह इस साल भी मैं ट्राई किया विजयादशमी का ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने का। बिलासीपरा में कैसा होता है विजयादशमी हर साल, वो ही दिखाने के लिए इस साल के विजयादशमी कैसा हुआ था, कैसा लगा आप लोगों को वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और आप बिलासीपरा से है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिएगा। इस साल के बिलासीपरा दुर्गा पूजा सीरीज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में फिर से बताइएगा, और भी बाकी सारे ब्लॉग नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ बंगाईगांव दुर्गा पूजा का भी एक ब्लॉग आने वाला है, मैं गया था घूमने के लिए बंगाईगांव के दुर्गा पूजा देखने के लिए, वहाँ का भी एक ब्लॉग इसी चैनल पर आ रहा है तो बने रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए।